तबलीगी जमात ने निजामुद्दीन एरिया में जो किया, that is simply unacceptable. There is so much anger inside thinking about how can someone do this, जबकि दिख रहा है कि कैसे दुनिया भर में वाट लगी पड़ी है. Literally, इस समय the entire human race on the whole fucking planet is going through the same shit. These thousands of people who first participated in Jamaat and then went away to their respective places have acted like super spreaders of the disease. And nobody in their right mind should justify this. In fact, there should be strict action taken against the management who organized the event in the first place, despite the news of this dreadful virus coming from everywhere around the world. Not just the news, the Delhi government had already issued an advisory against large gatherings. Uske bawajood, as per a report, hazaron log got together on 13th of March. लेकिन ये कहना कि इस क्राइसिस के दौरान ऐसी बेवकूफी और दूसरों की हेल्थ की तरफ ऐसी इनसेंसिटिविटी सिर्फ इन्हीं लोगों ने दिखाई है, ये भी काफी इग्नोरेंट और इनसेंसिटिव बात है. दिस इज नॉट अबाउट एनी वन ग्रुप और कम्युनिटी. 70 साल के एक सिख क्रीचर इटली और जर्मनी से वापस आए एंड डिस्पाइट बीइंग एडवाइज्ड टू सेल्फ क्वारंटाइन, 10 से 12 मार्च के बीच ही वेंट अहेड टू अटेंड अ रिलीजियस फेयर इन पंजाब. अभी 26 मार्च को वहीं पास जावे तो पता चला कि उनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है. उनके करीब 40,000 फॉलोअर्स जिन्होंने वो फेयर अटेंड किया था अभी सब क्वारंटाइन में है. 14 मार्च को दिल्ली में ही फुल ऑन गौमूत्र पार्टी हुई, वेयर ऑल्सो पीपल गॉट टुगेदर, डिड यज्ञ एंड ऑल. 17 मार्च तिरुपति बालाजी टेम्पल में थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज वर स्टिल विजिटिंग बिफोर द टेम्पल वॉज फाइनली शट ऑन द 19th ऑफ मार्च. 24 मार्च को 21 डे नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया पीएम मोदी ने, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उसके अगले ही दिन 25 मार्च को अयोध्या में 15-20 लोगों के साथ पूजा करते हुए अपने ही ट्विटर अकाउंट की फोटो में पाए गए. और रिलीजन के नाम पर ऐसी बेवकूफियां लोगों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं करी. साउथ कोरिया की पेशेंट नंबर 31, एक 61 साल की आंटी, COVID-19 पॉजिटिव, टेस्ट भी नहीं कराया और जाके एक चर्च गैदरिंग में हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर दिया. वहीं साउथ कोरिया के ही एक दूसरे चर्च ने अपने फॉलोअर्स के मुंह में डिवाइन सॉल्ट वाटर स्प्रे किया विद द बिलीव दैट इट वुड किल द वायरस. दे एंडेड अप इन्फेक्टिंग एटलीस्ट 46 पीपल. बाय द वे, साउथ कोरिया में भी चर्च के ऊपर बहुत जोक्स और मीम सर्कुलेट हुए हैं कि दे डिड इट ऑन पर्पस, जस्ट लाइक सच थिंग्स आर बीइंग सर्कुलेटेड हियर इन इंडिया. ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तो ये तक अनाउंस कर दिया कि इट डज नॉट बिलीव दैट द कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड वाया कम्युनियन वाइन, द सेम होली वाटर जो भक्तों को एक ग्लास से प्रसाद की तरह दिया जाता है. सो मच फॉर द सोशल डिस्टेंसिंग. नहीं, इस्कॉन यूके में 12 मार्च को अराउंड 1000 people attended a funeral of a fellow devotee. Now there are 21 confirmed cases out of these people. 5 have already died and more than 100 are suspected to be carrying this virus. France ke Alsace region ka ek mega church that organizes a 5-day prayer meeting every year. They did it this year too. 17 Feb ko jab ye 5 din ka event start hua, तब तक फ्रांस में सिर्फ 12 कंफर्म COVID-19 के केसेस थे, लेकिन इन हजारों लोगों की प्रेयर मीटिंग में देयर वाज एन इंफेक्टेड पर्सन टू, लिटरली अगेन अ सुपर स्प्रेडर केस. जब तक अथॉरिटीज को पिक्चर क्लियर हुई ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ट्रांसमिशन, कंटेनमेंट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल. इस समय फ्रांस में कोरोना के केसेस 1,00,000 टच करने वाले हैं. अराउंड 8,900 पीपल हैव डाइड. और ये बेवकूफाना हरकतें अलग अलग रिलीजन से जुड़ी हुई चीजों में ही नहीं, अदरवाइज भी देखने को मिल ही रही हैं. 15 मार्च को जब कर्नाटका गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी बैंड मास गैदरिंग्स, तो उसी सरकार के मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल महंतेश कवड़जी मठ इनवाइटेड हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग. और तो और, जिस सरकार ने मास गैदरिंग्स को बैन लगाया उसी के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा साहब ने भी ये वेडिंग अटेंड करी. फिर 22 मार्च को पीएम ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया. वी सॉ हाउ ड्यूरिंग द जनता कर्फ्यू व्हेन न्यूज वाज ऑलरेडी आउट देयर दैट द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सो वी नीड टू स्टे एट आवर होम्स, उसके बावजूद हंड्रेड्स ऑफ पीपल गॉट टुगेदर इन मेनी सेलिब्रेटरी रैलीज अराउंड द कंट्री. इंटरनेट पर इसके वीडियोस तो आई एम श्योर हम सब ने देखे हैं. फिर एक भाई साहब जो दुबई से कोरोना से इन्फेक्ट होकर आए अपनी मम्मी के क्रिमेशन के लिए, वो आए और 1500 लोगों को भोज करा दिया. भाई, पितरों की आत्मा को तो शांति खूब मिल जाएगी, लेकिन आप अपने कर्मों के बैलेंस शीट का क्या करोगे? अरे वो सब छोड़िए, अभी 5 अप्रैल को 9:09 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में इवेंट. इस बार तो मोदी जी ने क्लियरली बोला भी था कि बाहर नहीं निकलना कुछ भी हो जाए. इसमें भी कितने ही लोग केम आउट टुगेदर मार्चिंग विद मशाल्स एंड कैंडल्स. हैदराबाद में बीजेपी के एक एमएलए टी राजा सिंह तक केम आउट इन अ ग्रुप शाउटिंग स्लोगन्स. तो भैया, कहने का मतलब है कि दिमाग की कमी होना इज नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी. बेवकूफ लोग हर जगह पाए जाते हैं, जस्ट द सेम वे जैसे दिमाग और कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाले काइंड हार्टेड लोग भी हर पाए जाते हैं. जैसे बनारस के मंदिर के पुजारियों ने लोगों में कोरोना की अवेयरनेस फैलाने के लिए मूर्तियों को मास्क पहनाए. मौलाना लोग एक्टिवली हैव बीन आस्किंग पीपल टू स्टे एट होम एंड प्रैक्टिस हैंड हाइजीन. ईरान ने सभी मेजर सिटीज में फ्राइडे प्रेयर्स पर रोक लगा दी. चर्चेज अराउंड द वर्ल्ड हैव स्टॉप्ड संडे मास प्रेयर्स. और रिलीजन छोड़िए, दिस इज अ टाइम व्हेन एवरीवन इज फॉरगेटिंग ऑल डिफरेंसेस एंड कमिंग टुगेदर, बिकॉज राइट नाउ इट इज अ क्वेश्चन of survival for everybody. You know, Dutch Prime Minister, he appointed an opposition leader as his health minister just because this opposition leader is more capable of handling the current situation. Irish Prime Minister, a doctor by profession, he has re-registered himself in the practice to help tackle the outbreak. Pure desh mein, in fact puri duniya mein, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, sab ek saath kaam kar rahe hain to feed the poor, to provide essentials where they are required, volunteering, collecting funds. I know a few of them myself who are putting in so much effort.
And then the heroes who are actually fighting this war on the front lines are doctors, our nurses. आपको लगता है इनमें से कोई भी religion के बारे में कुछ सोच रहा है? ये हर religion के लोग हैं और सिर्फ एक चीज पर focused हैं, to tackle this crisis, not for themselves or their families, but for you and me. खुदा न खास्ता अगर हम में से किसी को या हमारे किसी अजीज को कोरोना वायरस होता है तो क्या आप अपने डॉक्टर से उसका धर्म, ईमान, जात पूछेंगे इलाज से पहले? ये वायरस रिलीजन नहीं देखता ब्रो, आप भी ना ही देखें तो बेहतर है। जिसने गलत किया है वो बेशक कोई भी हो, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, बट लेट्स जस्ट कीप रिलीजन आउट ऑफ द पिक्चर। अभी टाइम नहीं है इस सब का, पूरी दुनिया की बैंड बजी पड़ी है। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस टुगेदर। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।